हेलो गाइस तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टइंडीज वर्सेज इंडिया के थर्ड ओडीआई मैच के बारे में और थर्ड ओडीआई मैच दोनों ही टीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस सीरीज की अगर मैं बात करू ना तो दो मैच ऑलरेडी हो चुके हैं एक मैच इंडिया जीत चुकी है और एक मैच वेस्ट इंडीज तो ये मैच जो है वो डिसाइड करेगा कि ओडीआई सीरीज कौन सी टीम अपने नाम करती है तो क्या रहेंगे आपके टॉप पिक्स इसके बारे में बात कर लेते हैं उससे पहले चैनल पर नए हो तो

वहीं वेस्ट इंडीज से मैंने लिया है कैसी काठी को ऑलराउंडर्स की बात करें तो हार्दिक पांड्या के साथ मैं जाऊंगी भले ही पिछले दो मैचेस से इनका फॉर्म जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है ओडीआई सीरीज में बट स्टिल यहां पर थोड़ा सा रिस्क लेंगे और यहां पर चांसेस है कि हार्दिक पांड्या आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही परफॉर्मेंस दे सकते हैं रविंद्र जडेजा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लास्ट uh, मैच में इनको विकेट लेस रहे थे लेकिन उससे पहले अगर आप फर्स्ट ओडीआई में देखोगे तो काफी अच्छे विकेट्स निकाले थे और जो पिच है वो भी स्पिनर्स और पेसर्स दोनों को ही सपोर्ट करती है और वेस्ट इंडीज से मैंने लिया है कायले मेयर्स को जो आपको बैटिंग से परफॉर्मेंस तो दे ही रहे हैं और अगर बॉलिंग करवाते हैं तो एक दो विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक आध विकेट बोलर्स की बात करें तो अलजारी जोसेफ के साथ में जाऊंगी इंपॉर्टेंट बोलर वेस्ट इंडीज से रहने वाले हैं वही इंडिया से बात करें तो कुलदीप यादव और शार्दुल ठाकुर के साथ में जाऊंगी दोनों ही काफी अच्छी फॉर्म में है विकेट्स भी निकाल रहे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस की बात कर लेते हैं तो कैप्टन मैंने बनाया है रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन जो है वो मैं बनाऊंगी कुलदीप यादव को आप चाहो तो वाइस कैप्टन की चॉइस में रविंद्र जडेजा को भी रख सकते हो बाकी ये जो हमारी ड्रीम टीम है वो हमारी प्रोबेबल प्लेइंग इलेवन पर बेस्ड है फाइनल ड्रीम टीम आपको टॉस होने के बाद मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर तो अगर टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है अभी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक